दोस्तों टर्म टू के वेटेज में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ गया है। सीबीएसई बोर्ड के गवर्निंग बॉडी ने फाइनली दोस्तों अपना मुंह को खोला है टर्म टू के वेटेज को लेकर, और एक बहुत ही बड़ा जो है एक नया सा दिखने वाला पता नहीं क्या बोल दिया है। तो आपको आज की इस वीडियो में आप लोग को इस वीडियो को देखिएगा तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि उन्होंने वेटेज पे क्या बोला है। दोस्तों कुछ नया ही आके बोल दिया है तो वो चीज आपको देखना चाहिए। सीबीएसई बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आपकी वेटेज को लेकर निकल सामने आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों आपके रिजल्ट पर भी यहाँ पर एक अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, यानी रिजल्ट को लेकर भी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम इस वीडियो की शुरुआत करना चाहेंगे आप लोग के लिए जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, टर्म टू के बच्चों के लिए जो सबसे बड़ी लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने आ रही है आपके रिजल्ट को लेकर। आपके यहाँ पर सबसे पहली जो अपडेट निकल के सामने आ रही है दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों जो बड़ी अपडेट है यहाँ पे सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं आपके लिए यहाँ पे एक बार फिर से बहुत ही बड़ा जो है दोस्तों आप लोग के लिए यहाँ पे मेगा कैंपेन को चलाया जा रहा है। इसको लेकर दोस्तों देश भर में जितने भी एसोसिएशन है जो आप लोग के लिए लगातार लड़ रहे हैं, दोस्तों मैंने भी आप लोग के लिए कई सारे ट्वीट कर रहा हूं ताकि आपको जस्टिस मिले दोस्तों, क्योंकि बेस्ट ऑफ बेटर टर्म्स आप लोग के लिए बेहद जरूरी है और इसी से आपको जस्टिस मिल सकता है। तो इसको लेकर दोस्तों एक मेगा कैंपेन चलाया जा रहा है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के ऑफिसर्स ने हाल ही में ये हिंट दिया था कि सीबीएसई बोर्ड को ज्यादा सजेशन 50-50 को लेकर जा रहे हैं। तो एक मेगा कैंपेन को कंडक्ट करवाया जाएगा दोस्तों, इसमें आप लोग भी जो है बढ़ चढ़ के सपोर्ट करिए दोस्तों। यहां पर मेगा कैंपेन का जो मेन मोटिव होगा वो ये होगा कि 30-70 हमें नहीं चाहिए, ना ही हमें 50-50 चाहिए, हमें चाहिए वन एंड ओनली जो हमारी मांग है वो बेस्ट ऑफ बेटर टर्म्स सब्जेक्ट वाइज चाहिए। तो दोस्तों ये वाला हैशटैग है सीबीएसई स्टूडेंट वांट जस्टिस, यानी कि बच्चे जो है जस्टिस चाहते हैं। तो इसको लेकर दोस्तों आप लोग भी सपोर्ट दिखाइए, नीचे जरूर से कमेंट करिएगा दोस्तों, अपनी बातों को सीबीएसई बोर्ड के सामने जरूर से रखिए दोस्तों। अब आते हैं हम सीबीएसई बोर्ड के अपडेट को लेकर। सीबीएसई बोर्ड के जो गवर्निंग बॉडी है दोस्तों उन्होंने वेटेज पर यहां पर अपना एक बहुत ही बड़ा जो है अपडेट दिया है, तो वो चीजें भी आपको देखना चाहिए। सीबीएसई बोर्ड अभी दोस्तों वेटेज उन्होंने फाइनली ऑफिशियली अभी सर्कुलेट नहीं किया है, लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड की अपनी गवर्निंग बॉडी है, जो सीबीएसई बोर्ड के जितने भी क्लोज जो इंटरनल जितने भी बॉडीज हैं जो आपके वेटेज पे डिस्कशन कर रहे हैं, उन्हीं में से एक जो है आपके यहाँ पे ज्योति अरोड़ा जो है सीबीएसई बोर्ड की गवर्निंग बॉडी की सदस्य है, और इन्होंने जो है सीबीएसई बोर्ड के आपके यहाँ पे वेटेज पर एक बहुत ही बड़ा अपडेट दिया है। इन्होंने कहा है कि मेरे अकॉर्डिंग जो सीबीएसई बोर्ड टर्म टू का वेटेज को कर सकती है वो वेटेज कुछ इस तरीके से हो सकता है कि सीबीएसई बोर्ड आपके सब्जेक्टिव वाला जो एग्जाम हुआ था उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, तो ऐसे में ये हो सकता है कि सीबीएसई बोर्ड टर्म टू के वेटेज को बढ़ा दे और टर्म वन के वेटेज को घटा दे। अब वो कितना ज्यादा बढ़ाया जा सकता है इसको लेकर इन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दी, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि टर्म टू के वेटेज को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड इंपॉर्टेंस जो है अपने सब्जेक्टिव एग्जाम को ही ज्यादा देगा। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, बोर्ड हो या जेईई नीट, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को क्लियर करिए किसी भी समय इन जस्ट 3 स्टेप्स। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके फिलो ऐप को इंस्टॉल करना होगा, मोबाइल नंबर से साइन अप करना होगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन की फोटो खींचकर या फिर टाइप करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के जस्ट 60 सेकंड के अंदर फिलो आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। तो प्यारे बच्चों जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां से अपने डाउट को आउट कीजिए। और सीबीएसई बोर्ड ने टर्म टू के एग्जाम को अपने कंट्रोल में भी करवाया था, यानी टर्म वन का एग्जाम स्कूल के कंट्रोल में था लेकिन टर्म टू का एग्जाम सीबीएसई बोर्ड के कंट्रोल में था, तो सीबीएसई बोर्ड खुद द्वारा करवाए गए एग्जाम को ज्यादा वेटेज दे सकती है। लेकिन दोस्तों अगेनली एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इन्होंने आखिर में यह भी कहा कि सीबीएसई बोर्ड को 50-50 को लेकर और बेस्ट ऑफ बेटर टर्म्स को लेकर बच्चों की जो मांग है इसे भी रखा गया है, लेकिन बोर्ड अभी इस पे अंतिम निर्णय करेगी। तो बच्चों को अभी इंतजार करना होगा सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियली अपडेट का। तो दोस्तों कुछ वेटेज को लेकर इस तरीके से अपडेट निकल के सामने आ रही है। अब आप लोग नीचे जरूर से कमेंट करके बताइएगा अगर टर्म टू के वेटेज को बढ़ाने का फैसला सीबीएसई बोर्ड करती है और वो वेटेज कुछ भी बढ़ाया जा सकता है, 50 को 60 किया जा सकता है, 70 किया जा सकता है या 80 किया जा सकता है, तो ऐसे में दोस्तों आप लोग के लिए ये जस्टिस होगा या इनजस्टिस होगा नीचे जरूर से कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो बच्चों को जस्टिस तभी मिल सकती है जब उन्हें बेस्ट ऑफ बेटर टर्म्स को जारी करके उनका रिजल्ट बनाया जाएगा। अब आप लोग नीचे जरूर से कमेंट करके बताइएगा। अब तीसरा अपडेट जो निकल के सामने आ रहा है दोस्तों, रिजल्ट को लेकर छात्र काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं और रिजल्ट को लेकर वो आखिर में एक फाइनल अपडेट चाहते हैं कि रिजल्ट उनका आएगा कब। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, देश भर की सभी मीडिया जो है रिजल्ट को लेकर बातें कर रही है कि रिजल्ट आपका आ जा सकता है, कल आ जा सकता है, तो ऐसे में दोस्तों इन सभी को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में जो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है दोस्तों, ये अपडेट निकल के सामने आ रही है दोस्तों कि सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट दोस्तों ये हो सकता है कि सीबीएसई बोर्ड जो है क्लास 10 का रिजल्ट या क्लास 12 का रिजल्ट जो है आपके 23 जुलाई या 28 जुलाई के बीच में जो है आपका अनाउंस कर सकती है, जिसमें बात करें तो 10 का जो है 23 कहा जा रहा है और 12 का जो है 28 कहा जा रहा है। लेकिन ये सारी बातें दोस्तों देश भर की मीडिया कर रही है रिजल्ट को लेकर, अभी भी स्टिल जो है सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल अपडेट का इंतजार है जो सीबीएसई बोर्ड ने अभी तक नहीं दिया है। तो ऐसे में दोस्तों रिजल्ट को लेकर जो दावे हैं वो लगातार चल रहे हैं, लेकिन जो मैंने आपको कल भी बताया था रिजल्ट को लेकर दावे बहुत ही कुछ कहेंगे लेकिन हमें ऑफिशियल अपडेट
अपडेट का इंतजार करना है। जल को लेकर ऑफिशियल अपडेट जैसे ही आएगी दोस्तों तो सबसे पहले मैं आप तक दूंगा। तो आप लोग दोस्तों तब तक के लिए बहुत ही ज्यादा सतर्क रहिए, उन लोगों से खासकर सतर्क रहिए जो चार चार चैनल या तीन तीन चैनल या दो दो चैनल बनाकर बैठे पड़े हैं और वो हर एक चैनल पे जो है दिन में तीन तीन वीडियो अगर डाल रहे हैं तो उनका दो चैनल है तो वो छह वीडियो डाल रहे हैं। यानी कि एक ही बात को छह बार कहने की क्या जरूरत है जब उसे एक बार में कहा जा सकता है। तो मेरा सवाल तो सिंपल सा है, आप लोग इससे एग्री हैं तो नीचे जरूर से कमेंट करके बताइएगा क्या ये सारी बातें जो मैं आपको कह रहा हूँ ये एक वीडियो में मैंने कह दिया तो क्या जरूरी है कि इसको मैं तीन चार वीडियो में कवर करूँ, एक वीडियो में अगर मैंने बता दिया तो क्या ये सही नहीं है। नीचे जरूर बताइएगा, अगर आप लोग एग्री हैं तो नीचे यस जरूर लिखिएगा। तो मिलते दोस्तों एक नए वीडियो में, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो भी ऑथेंटिक अपडेट होगी वो सारी अपडेट मैं आपको दूंगा। तो मिलते दोस्तों एक नए वीडियो में, बेस्ट ऑफ बाय द टर्म्स को लेकर जरूर से कमेंट करिएगा। जय हिंद।